अस्सलाम वालेकुम पीएमएस एस्पिरेंट्स, टुडे इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑन पीएमएस मैथ्स कम्युनिकेशन पेपर टू। मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट थ्री लेक्चर में आपने पेपर टू का जितने परसेंट सिलेबस हमने कवर किया है आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो आज चलते हैं लेक्चर फोर की तरफ, पीएमएस मैथ्स कम्युनिकेशन लेक्चर फोर पेपर टू। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप कम्युनिकेशन के जरिए जो मैस कम्युनिकेशन है आपकी, जिसमें आपका प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों आ जाते हैं, दोनों शामिल हैं, प्रिंट मीडिया और मैस मीडिया, इन दोनों को मिलाकर, चूंकि ये दोनों मैस कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं, इन दोनों मैस कॉम के सोर्सेज को मिलाकर आप अपनी सोसाइटी में कैसे चेंज ला सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी में कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी में कैसे अपडेट ला सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ये होता है कि कम्युनिकेशन के सोर्सेस को इस्तेमाल में लाते हुए अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में चेंज लाना। किस तरह का चेंज लाना? अब मैस कम्युनिकेशन हमारी सोसाइटी में किस तरह का चेंज लाती है? आप अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने फर्स्ट पेपर में हमने देखा था कि मैस कम्युनिकेशन के पर्पस क्या है, क्या मैस कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो वहां पर हमने सादा अल्फाज में यह पढ़ा था कि मैस कॉम, आपका प्रिंट मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका क्या रोल हमने पढ़ा था कि सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो जब डिफरेंट न्यूज के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए आपके मुआशरे में आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचेंगी, आप लोगों तक मसाइल्स का हल पहुंचेगा, मसाइल्स आप लोगों के सामने हाईलाइट होंगे और गवर्नमेंट जो है उन मसाइल्स को हल करने की कोशिश करेगी, तो इस तरह से चीजें बेहतर होते जाएंगी, इस तरह से आप लोगों के मसाइल हल होंगे और अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचेगी। तो इस तरह से मैस कम्युनिकेशन के सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से सोसाइटी में चेंज आता है और कौन कौन से सेक्टर्स में चेंज लाना ज्यादा जरूरी है, जिस तरह के एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और आपका मीडिया एटसेट्रा। तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशंस, जो आपके सोर्सेज हैं, जो आपकी कम्युनिकेशंस हैं, उनका इस्तेमाल करके टू फैसिलिटेट सोशल डेवलपमेंट। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट सोशल डेवलपमेंट, या फिर प्रोसेस टू ब्रिंग अ सिस्टमैटिक सोशल चेंज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है टू ब्रिंग, जिससे लाया जाता है एक सोशल चेंज। मकसद सादा अल्फाज में आपको समझाने के लिए कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम्युनिकेशन के सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए मुआशरे में तब्दीली लाई जाती है, चेंज लाया जाता है, मुआशरे को फैसिलिटेट किया जाता है, आपकी सोसाइटी को फैसिलिटेट किया जाता है और आपकी सोसाइटी को सोशली डेवलप किया जाता है। मेरा ख्याल है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इस बात का मकसद क्या है कि व्हाट इज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। एवरी कंट्री हैज हैव इट्स एफर्ट्स टू डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन किस तरह से सोसाइटी में डेवलप होता है, हर कंट्री के कुछ ना कुछ अपनी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं,
सम रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो वर्किंग इन दिस सेक्टर। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक यूएनओ, जिस तरह से यूएनओ हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, यूनिसेफ एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है, और कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सोशली डेवलपमेंट ला रहे हैं कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हुए। डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैज फॉलोइंग पर्पस। स्पेशली जो आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मीन डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वो ममालिक जो गरीब हैं, वो ममालिक जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं, वो ममालिक जो भी तरक्की पजीर हैं, वो ममालिक जो भी तरक्की कर रहे हैं, इनको आप इनके लिए आप लफ्ज यूज करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एटसेट्रा। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्पेशली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैज द फॉलोइंग पर्पस। स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इनके क्या पर्पस होते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के? टू डेवलप एजुकेशन सेक्टर, टू डेवलप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, टू प्रमोट पब्लिक रिलेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड फॉर सोशल डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड? ये तो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की इसका पर्पस क्या है, और मैंने आपको डिटेल से सादा अल्फाज में समझाया कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होती क्या है, ताकि जो सिंपल से सिंपल स्टूडेंट है, जो बिल्कुल न्यू कमर स्टूडेंट है, जो बिल्कुल एक लो ग्रेड लेवल का, जिसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे, जिन्होंने ये चीजें ऑलरेडी मैथ्स कॉम पढ़ा होगा अपने एमबीए के सिलेबस में, एम कॉम में, या फिर मैथ्स कॉम की किसी की डिग्री है तो। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी न्यू कमर्स होते हैं जिनको बेसिक्स का भी पता नहीं होता, तो इसलिए मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूं, सिंपल वर्ड्स में आपको इस तरह समझाता हूं कि आपको बात की 100% समझ आ जाए। अंडरस्टैंड? तो ये हमने देखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। अब हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान, अगर हम अपने पाकिस्तान में बात करें कि हमारे पाकिस्तान में डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस पर किस तरह से काम हो रहा है, और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन किस तरह से हमें सोशली, इकोनॉमिकली, टेक्निकली अपग्रेड कर रही है, किस तरह से हमें हमारी सोसाइटी को प्रमोशन मिल रहा है, तो हम देखते हैं। वैसे तो आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस सेक्टर में काम कर रही हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, वॉलेंटियर्स भी काम कर रहे हैं, सोशली कुछ लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कंबाइंड जो एक कलेक्टिवली सोच है, उनका कलेक्टिव वर्क है, उस तरह से कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए मुआशरे में, सोसाइटी में अपग्रेडेशन लाई जा रही है, सोसाइटी में चेंज लाया जा रहा है, सोसाइटी में डेवलपमेंट लाया जा रहा है। लेकिन स्पेसिफिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है इस काम को, देखते हैं। पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, पीसीडीसी, पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड इन 2012, 2012 में ये एक सेंटर कायम किया गया। इससे पहले गवर्नमेंट इंडिविजुअली अपना काम कर रही थी, प्राइवेट इंडिविजुअली कर रहे थे, एनजीओस भी कर रही थी, वॉलंटियर्स भी कर रहे थे, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टिल अभी भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि इस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बनने से उन्होंने काम बंद कर दिया, वो सब भी कर रहे हैं, लेकिन इस मकसद के लिए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए स्पेसिफिकली एक इंस्टीट्यूट बना दिया गया है। क्या नाम है? पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस, पीसीडीसी, एस्टैब्लिश्ड इन 2012। फोर पिलर्स ऑफ द पीसीडीसी आर, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस, इसके फोर पिलर्स हैं। क्या काम है इनके? जी फोर पिलर्स हैं इनके, जो इनके फोर मेजर पार्ट्स हैं, वर्किंग एरियाज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इंफॉर्मेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग और लिंकेज। तो ये क्या इदारा करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और लिंक प्रोवाइड करता है, डिफरेंट लिंक टू ऑल सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनजीओ एटसेट्रा। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है पीसीडीसी, पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ये आपका पीसीडीसी जो कम्युनिकेशन का सेंटर है,
इसके मेजर फोर पिलर्स हैं, मेजर फोर सेक्शंस हैं। ये फोर मेजर काम करता है, कौन से करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रिसर्च करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग्स देता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। ये प्रपोजल्स देता है गवर्नमेंट को कि किस तरह से कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए, स्पेशली जो लेटेस्ट सोर्सेस हैं कम्युनिकेशंस के, जिसमें आपका सोशल मीडिया आ जाता है, ईमेल्स आ जाती हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपके जो प्रोफेशनल ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो किस तरह से आजकल के मॉडर्न दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सोर्सेज को कम्युनिकेशन के हिसाब से हम देखें तो किस तरह से हम अपनी सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, हम अपने काम में बेहतरी ला सकते हैं, हम अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से फास्टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज टुडे, क्योंकि आज के दौर में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है। तो इस सेक्टर के लिए, इस मकसद के लिए, गवर्नमेंट को बताने के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बताने के लिए, एनजीओस को बताने के लिए कि अगर आप पहले रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे थे तो अब आप लैपटॉप लें, आप पीसी लें और कंप्यूटर का आपका जितना अकाउंट्स का वर्क है आप उसको एक सॉफ्टवेयर पर करें। तो अकाउंटिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। अब अकाउंट्स का काम पूरे कंट्री में देखा जाए तो गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन भी सारा काम पर शिफ्ट हो चुका है। किस में शिफ्ट हो चुका है? कंप्यूटर पर शिफ्ट हो चुका है। और कंप्यूटर पर कौन कौन से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं? पहले अकाउंट्स के लिए पीच ट्री सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता था, अब फिर ज्यादा बेहतर आते गए, तो वक्त के साथ साथ जैसे अपडेट आ रही है, ये आपका पीसीडीसी जो सेंटर है, ये गवर्नमेंट को, प्राइवेट कम्युनिकेशन सेंटर्स को, जितने मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनको बताता है किस तरह से आप कम्युनिकेशन को जेरे इस्तेमाल लाकर ज्यादा एफिशिएंट तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी को बेहतर डेवलप कर सकते हैं, आप किस तरह से गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए सोशल अवेयरनेस ला सकती है। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के, पीसीडीसी के? प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मेंबर्स, फॉर एग्जाम्पल एनजीओ, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज, अबाउट फास्टेस्ट कम्युनिकेशन टेक्निक्स। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पर्पस हैं, तो सबसे पहला पर्पस ये है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मेंबर्स। ये मेंबर्स को प्लानिंग देता है और इम्प्लीमेंटेशंस करवाता है, क्या चीजें? फास्टेस्ट कम्युनिकेशन टेक्निक्स। अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अपडेट आ गई है, उसकी अपडेट आ गई है, उससे ज्यादा बेहतर सॉफ्टवेयर आ गया है, उससे ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन सोर्सेज आ गए हैं, प्रिंट मीडिया को कैसे बेहतर करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से हम अपने काम में ज्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं, किस तरह से हम थोड़े टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं, तो ये आपका पीसीडीसी का एक ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडली, एनहेंस्ड एफिशिएंसी, इससे एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी सॉफ्टवेयर एटसेट्रा, इम्प्रूव नेटवर्किंग। तो ये कुछ सोर्सेज बताए गए हैं, सॉरी, ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपका पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इनको, इन एरियाज को कवर करता है और ये इसके मकासद हैं। तो एस्पिरेंट्स, आपके मैथ्स कॉम के लेक्चर का आप अगर अपने सिलेबस में देखेंगे तो चैप्टर फोर आप देखेंगे या हेडिंग नंबर फोर देखेंगे सिलेबस में, वहां पर लिखा होगा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट जर्नलिज्म। तो इस लेक्चर में हमने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है, डिटेल के साथ सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपके 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।